हेलो बच्चों, जो अपना चैप्टर टू चल रहा है सॉल्यूशन या विलयन, इसमें अपन देख रहे हैं क्या तनु विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें अपन ने क्या है वास्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक, मोनियन, ये पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में अपन देखेंगे क्या हिमांगमय अवनमन। तो बच्चों, जो अगला अणुसंख्यक गुणधर्म है हिमांगमय अवनमन, या इसको बोलेंगे अपन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो इसकी जो डेफिनेशन जो आपको एग्जाम में लिखना है इसके बारे में अपन समझें, उससे पहले अपन थोड़ा सा हिमांक के बारे में समझते हैं। हिमांक होता क्या है बच्चों? अपन बात करें हिमांक की, तो सामान्य बोलचाल की भाषा में अपन ये बोल सकते हैं कि कोई पदार्थ है, पदार्थ की जो द्रव अवस्था है वो ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगे, या अपन सामान्य बोलचाल की भाषा में बोलें कि वह जो द्रव अवस्था है वो जम के ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए। तो यह जो घटना है वो जितने डिग्री सेल्सियस ताप पर होगी, ठीक है, मतलब द्रव अवस्था ठोस अवस्था में जितने ताप पर होगी वह ताप उसका क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। ठीक है, जैसे अपन जल की बात करें तो जल क्या हो जाता है, जल की जो द्रव अवस्था H2 है वो बर्फ में कब परिवर्तित होती है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो 0 डिग्री सेल्सियस इसका हिमांक हो जाएगा। तो बच्चों, हिमांक को सामान्य बोलचाल की भाषा में तो अपन ये बोल सकते हैं, पर यदि अपन व्यवस्थित परिभाषा देना चाहें तो कुछ इस प्रकार देंगे। देखिए, आप सभी को पता है कि जो ताप है ये बाष्प दाब के कैसा होता है? समानुपाती। ठीक है, यदि यहाँ पे ताप बढ़ेगा तो बाष्प दाब भी बढ़ेगा, यदि ताप घटेगा तो बाष्प दाब भी यहाँ पे घटेगा। तो क्या हो जाए, हिमांक के लिए अपने को ताप को कैसा करना पड़ता है? कम। जब हिमांक के लिए ताप कम होगा तो यहाँ पे बाष्प दाब भी कैसा हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। और ये जो बाष्प दाब है ये कम होकर इतना हो जाए कि द्रव अवस्था का जो बाष्प दाब P है ये ठोस अवस्था की बाष्प दाब P के बिल्कुल बराबर हो जाए, मतलब दोनों अवस्थाओं के जो बाष्प दाब हैं ये कैसे हो जाएं? बिल्कुल समान हो जाएं। ठीक है, इसका मतलब बच्चों कि जब दोनों अवस्था के जो बाष्प दाब हैं ये समान हो गए, इसका मतलब है कि दोनों के ताप भी समान हो जाएंगे, क्योंकि ये इसके क्या है, समानुपाती है। अर्थात यहाँ पर इस द्रव अवस्था का ताप और ठोस अवस्था के ताप भी कैसे हो गए? समान। तो ऐसी स्थिति में द्रव अवस्था और ठोस अवस्था एक दूसरे के साथ साम्य अवस्था में आ जाएंगे। ठीक है, जिस गति से द्रव ठोस में जमेगा उसी गति से ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये जो साम्य अवस्था प्राप्त हुई है, ठीक है, ये साम्य अवस्था जिस ताप पर होती है, ठीक है, उसी ताप को अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे हिमांक बोलते हैं। बच्चों, ये तो बात हो गई हिमांक की। यदि अपन बात करें हिमांक में अवनमन की, तो यदि अपन विलायक की बात करें, ठीक है, तो जो विलायक है अपने यहाँ पे एग्जांपल के रूप में H2 लिए हैं, ठीक है, जिसके लिए जो हिमांक है वो कितना प्राप्त हुआ है? 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, हिमांक प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब बच्चों क्या करें, इस जो विलायक है, विलायक में अपन अवाष्पशील विलेय ऐड कर दें। ठीक है, जैसे कि अपन यहाँ पे NaCl ऐड कर दें, ठीक है, जो कि कैसा है, अवाष्पशील विलेय है। ठीक है, तो इन दोनों का जो मिश्रण है आपका कहलाएगा यहाँ पे विलयन कहलाएगा। ठीक है, तो हमको क्या प्राप्त हो गया यहाँ पे, विलयन। अब जो विलयन प्राप्त हुआ है बच्चों, तो बच्चों विलयन में NaCl, ठीक है, एक अवाष्पशील विलेय मिला हुआ है जिसकी बाष्प दाब बनती नहीं है, और आप सभी को पता है कि इसी कारण क्या हो जाता है, जो विलयन है, विलयन को जो बाष्प दाब P है ये कम हो जाता है विलायक के बाष्प दाब की तुलना में। ठीक है, मतलब विलायक का जो बाष्प दाब P है ये ज़्यादा होता है और विलयन का बाष्प दाब P है ये कैसा होता है, कम। अर्थात यहाँ पर बाष्प दाब कम हो जाएगा, इसका मतलब है कि यहाँ पर ताप भी कम हो जाएगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, ताप भी कम प्राप्त होगा। अर्थात जो जल अब यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे जम रहा था, वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ना जमकर यहाँ पे -12 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस या -17 डिग्री सेल्सियस पे जमेगा। ठीक है, कोई भी घटना हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब है बच्चों कि यहाँ पे क्या हो गया, हिमांक घट गया। ठीक है, पहले हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस था, अब हिमांक कितना प्राप्त हो रहा है अपने को, माइनस में। ठीक है, तो जो हिमांक घटा है या हिमांक में कमी हुई है, ठीक है, इसी कमी को अपन क्या बोलते हैं, अवनमन। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं अपन, हिमांक में अवनमन नाम देते हैं। तो बच्चों, हिमांक के अवनमन की परिभाषा अपन कुछ इस प्रकार देंगे। अपन ने जो समझे हैं वही यहाँ पे लिखना है कि किसी पदार्थ का हिमांक वह ताप होता है जिस ताप पर ठोस तथा द्रव प्रवस्थाओं के बाष्प दाब कैसे हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। अतः इस ताप पर पदार्थ की ठोस एवं द्रव अवस्था साम्य अवस्था में होती है। ठीक है, ठोस अवस्था और द्रव अवस्था साम्य अवस्था में होती है। ठीक है, यह तभी संभव है जब इनके बाष्प दाब कैसे हो जाएं, दोनों के बाष्प दाब कैसे हो जाएं, समान हो जाएं। किनके किनके, द्रव अवस्था के और ठोस अवस्था के बाष्प दाब कैसे हो जाएं, समान हो जाएं। अब अपन अगला देखते हैं कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला दें, जैसे कि अपन ने NaCl मिला के देखे थे। ठीक है, अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है
तो विलायक के वाष्प दाब में कमी हो जाती है। ठीक है, अर्थात विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से हमेशा कम होता है। ठीक है, अतः यहाँ पे विलयन के लिए ठोस एवं द्रव अवस्था में साम्यावस्था का मान शुद्ध विलायक की तुलना में कम होता है। ठीक है, अपन ने देखे हैं अपन कि विलयन के लिए जो साम्यावस्था है ये कम ताप पर प्राप्त हुई है। ठीक है, इस कारण यहाँ पे विलयन के हिमांक में कमी आती है जिसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। बच्चों, हिमांक में अवनमन को इस ग्राफ के माध्यम से समझते हैं अपन। अपन ताप को इस दिशा में ले लिए हैं और जो पी है वाष्प दाब इसको इस दिशा में ले लिए हैं। यहाँ पे अपन बात करें किसी विलायक की, जैसे अपन यहाँ पे H2O का एग्जांपल लेके चलें, तो विलायक क्या होता है, या जो H2 होता है इसका एक निश्चित यहाँ पे वाष्प दाब पी होता है। ठीक है, अब क्या होता है, इस दिशा में जाने पर, वापस जाने पर वाष्प दाब घटेगा और इस दिशा में वापस आने पर ताप घटेगा। तो जब वाष्प दाब घटेगा तो ताप भी तो घटेगा। ठीक है, यहाँ पे ताप कम होकर इस पॉइंट पर यहाँ पे विलायक जमना शुरू हो जाता है, अर्थात द्रव अवस्था ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगती है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसका हिमांक बिंदु। ठीक है, विलायक का हिमांक बिंदु है ये। ठीक है, तो हिमांक बिंदु है, अर्थात यहाँ पे जो ताप प्राप्त हुआ है इसको अपन बोलते हैं T0F। ठीक है, या फिर T0F को अपन क्या बोल रहे हैं, शुद्ध विलायक का हिमांक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जल हिमांकित हो गया है। यदि अपन ताप और कम करें तो वाष्प दाब भी और कम होगा। ठीक है, इस दिशा में, और यहाँ पे अपने को प्योर ठोस विलायक देखने को मिलेगा, अर्थात यहाँ पे विलायक पूर्ण रूप से अब ठोस अवस्था में बदल गया। यहाँ पे जो साम्यावस्था थी द्रव अवस्था और ठोस अवस्था की, वह साम्यावस्था खत्म हो गई है और पूरा की पूरा जो द्रव है वो ठोस में परिवर्तित हो गया और कम ताप पर। अब बच्चों, अपन मान लें कि अपन ने विलायक में NaCl ऐड कर दिए हैं। ठीक है, अवाष्पशील विलेय, तो अवाष्पशील विलेय में ले आने पर क्या हो जाता है, वाष्प दाब घट जाता है। तो पहले जो वाष्प दाब यहाँ पर था वो घट के अब यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पे वाष्प दाब पहले से घट गया है। ठीक है, अब जो वाष्प दाब घट जाता है, तो बच्चों इस घटे हुए वाष्प दाब के कारण जो अपने को हिमांक बिंदु है ये और कम ताप पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और कम वाष्प दाब में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो बिंदु प्राप्त हो रहा है इसको बोलते हैं अपन विलयन का हिमांक बिंदु। ये क्या है, विलयन का हिमांक बिंदु। ठीक है, और इस हिमांक बिंदु को अपन किससे दर्शाते हैं, TF से। ठीक है, तो जो TF है ये क्या है, विलयन। ठीक, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन। ठीक है, का हिमांक है, इसको किससे दर्शाते हैं अपन, TF से। यदि और अपन ताप कम करें तो यहाँ पे जो विलयन है पूर्ण रूप से ठोस अवस्था में बदल जाएगा, साम्यावस्था यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और पूर्णतः यहाँ पे ठोस विलयन देखने को मिलेगा। ठीक है, बच्चों इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो विलायक है, अपन यहाँ पे मान लो H2O ले रहे हैं, उसके लिए जो हिमांक बिंदु है वो कितना मिल रहा है यहाँ पे अपने को, T0F। T0F मतलब यहाँ पे जो ताप हो जाएगा वो 0°C के बराबर हो जाएगा। अब वापस जाने पर ताप कैसा हो जाएगा, और घट जाएगा, अर्थात माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो TF प्राप्त होगा, ठीक है, जो किसके लिए हिमांक बिंदु प्राप्त हो रहा है, विलयन के लिए, तो ये और कम प्राप्त होगा, अर्थात माइनस में प्राप्त होगा। -10°C, -17°C कितने भी प्राप्त हो सकता है। ठीक है, कि अपन ने कितना विलेय मिलाए हैं, तो इस इन दोनों का जो अंतर क्या है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, T0F और TF का जो अंतर है इसको अपन बोलते हैं ΔTF। ठीक है, और यही क्या कहलाता है, हिमांक में अवनमन की, हिमांक में कितनी कमी हुई है। ठीक है, तो कितनी कमी हुई है हिमांक में अवनमन, ठीक है, क्या कहलाता है, ΔTF। ठीक है, ये कैसे प्राप्त होगा, जब अपन T0F, ठीक है, T0F मतलब शुद्ध विलायक का जो हिमांक है उसमें से, ठीक है, विलयन का हिमांक अपन घटा देंगे। तो इस प्रकार अपन हिमांक में अवनमन ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों, जैसे कि अपन क्वथनांक में उन्नयन पढ़े थे, वैसे यहाँ भी होगा कि प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध है कि जो तनु विलयन में जो हिमांक में अवनमन है, ठीक है, विलयन में उपस्थित विलेय की मोलर सांद्रता या मोललता के कैसे होता है समानुपाती। अर्थात यहाँ पे जो हिमांक में अवनमन है ΔTF, ये मोललता के कैसे होता है समानुपाती। ठीक, अब क्या होता है बच्चों, अपन यहाँ पे जैसे ही अपन समानुपात हटाते हैं तो एक स्थिरांक लेते हैं। ठीक है, तो स्थिरांक अपन ने क्या ले लिया यहाँ पे, KF। ठीक है, तो ΔTF, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, KF इंटू M या मोललता। ठीक है, तो जो KF प्राप्त हुआ है ये क्या होता है, हिमांक अवनमन स्थिरांक, या इसी का दूसरा नाम है मोलल अवनमन स्थिरांक। अब बच्चों, जो क्वथनांक में उन्नयन पढ़े थे उसी के आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, हिमांक में अवनमन से क्या निकाल सकते हैं, अवाष्पशील विलेय का अणुभार क्या है अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हिमांक में अवनमन से अवाष्पशील विलेय का अणुभार की गणना करना। ठीक है, अपन देखो इसकी गणना कैसे करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो समीकरण एक अपने को प्राप्त हुआ है, ΔTF बराबर क्या होता है, KF इंटू M, M बराबर क्या है यहाँ पे, मोललता। ठीक है,
तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, जो मूललता है इसका मान, तो इस मूललता का मान अपन क्या करेंगे यहाँ पे समीकरण एक में रख देंगे। तो अपने को इस प्रकार से एक समीकरण देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो डेल्टा टी एफ है ये हो जाएगा, के एफ है ये यहीं रहेगा, ठीक है। और एम मूललता का मान अपन ने यहाँ पे इस प्रकार रख दिए हैं, डब्ल्यू बी इंटू थाउजेंड और एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब बच्चों अपन क्या करेंगे, यहाँ पे डेल्टा टी एफ और एम बी को एक दूसरे से पक्षांतरित कर देंगे, अर्थात डेल्टा टी एफ और एम बी एक दूसरे की जगह में इनप्लेस हो जाएंगे, अर्थात यहाँ पे ये दोनों अपना प्लेस चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एम बी है, ठीक है, एम बी क्या है, विलय का अणुभार, ठीक है। तो विलय का अणुभार बराबर क्या हो, क्या प्राप्त हो गया अपने को, ठीक है, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू थाउजेंड और डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। तो बच्चों जो फार्मूला प्राप्त हुआ है इसमें अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पे विलय का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं, एम बी क्या है, विलय का अणुभार है। तो यहाँ पे बच्चों जो हिमांक में अवनमन है, ठीक है, ये विलयन की मोललता, ठीक है, हिमांक में जो अवनमन है विलयन की मोललता या विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है। तो विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, अर्थात यह क्या है, एक अणु संख्या गुणधर्म है। अर्थात अपन ये बोल सकते हैं कि विलय के अणुओं की संख्या, ठीक है, क्योंकि एक अणु संख्या गुणधर्म है, तो विलय के अणुओं की संख्या जितनी ज़्यादा हो जाएगी हिमांक में अवनमन उतना ज़्यादा प्राप्त हो जाएगा।